चौधरी चरण सिंह और वीर सावरकर। चरण सिंह ने क्यों नहीं मनाई थी जयंती? चरण सिंह ने कैसे गिराई गैर कांग्रेसी सरकार? देश के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को कौन नहीं जानता? चरण सिंह बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके कद में कोई कमी नहीं आई। देश की सियासत में चरण सिंह की अलग पहचान है। किसान जागरूकता के लिए चरण सिंह को याद किया जाता है। उन्हें किसान अपना मसीहा मानते थे। हर साल 23 दिसंबर को इसलिए किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भले ही गैर कांग्रेसी नेता रहे, लेकिन जब बात उसूलों की आई तो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इतिहास के पन्नों का एक किस्सा बताता है कि चरण सिंह ने सावरकर की जयंती मनाने से इनकार कर दिया था। ये वाक्या है 18 फरवरी 1970 का, जब चरण सिंह इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर के समर्थन से यूपी के दूसरी बार सीएम बने थे। उस वक्त सावरकर की जयंती को लेकर बदायूं से भारतीय जनसंघ नेता ने पूछा था कि क्या सावरकर की जयंती की कोई योजना बना रही है सरकार। तब सूचना मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से जवाब आया था, ऐसा कोई विचार अभी तक हमारे पास नहीं आया है। बावजूद इसके जब स्वरूप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे तो चरण सिंह ने कहा, मुझे जनसंघ के नेता की ओर से पहले भी इस तरह की अपील प्राप्त हुई है, जिसके बारे में पहले ही जवाब दिया जा चुका है। चौधरी चरण सिंह ने पत्र के जवाब में लिखा था कि ये अच्छा सुझाव है, लेकिन इतने कम समय में जयंती को मनाने के लिए हमारे पास तैयारियां करने का पूरा समय नहीं है। स्वरूप ने पूछा कि क्या 1971 के बाद सरकार जयंती मनाएगी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक सावरकर के बलिदान की बात है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता कि हमने अपनी युवा अवस्था में ही उनसे काफी प्रेरणा ली। कई और लोगों ने देश के लिए अपना प्राण बलिदान दिया था। शायद सावरकर सर्वोच्च बलिदान देने वालों में शामिल है, लेकिन सवाल ये नहीं कि कितने लोगों की जयंती सरकारी स्तर पर हम मना पाएंगे। फिलहाल हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। ये भी बताया जाता है कि नेहरू से कुछ दूरियां होने के बाद कांग्रेस में उनकी स्थिति कमजोर हुई, हालांकि किसान समुदाय उनके साथ खड़ा था। 1 अप्रैल 1967 को चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने भारतीय क्रांति दल की स्थापना की, उसका गठन किया और उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। चरण सिंह 1967 से 1968 और 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक दो बार सीएम रहे। 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया था, इसमें चरण सिंह की पार्टी भी भारतीय क्रांति दल शामिल थी। चरण सिंह प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी ने मोरारजी देसाई को पीएम बनाया। चरण सिंह और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिश्ते ठीक नहीं थे। एक किताब में जिक्र है कि देसाई सरकार में जब जनसंघ के 10 सदस्यों को दोहरी सदस्यता देने की बात सामने आई तो चरण सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने इन सदस्यों को निकालने की मांग सामने रख दी, लेकिन जब उनकी नहीं मानी गई तो उन्होंने संजय गांधी से मुलाकात की, मोरारजी सरकार को गिरा दिया। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।